हेलो दोस्तों, नेचुरल होम ब्यूटी में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को डिशवाश बनाना बताऊंगी, घर पर कैसे आप डिशवाश बना सकते हो और उससे भी आपका बर्तन वैसे ही साफ होगा जैसे कि आप मार्केट से साफ करते हो लाके। तो ये इतना रहेगा कि आप ये नेचुरल इंग्रेडिएंट्स वाला बनाएंगे, इसमें कुछ भी केमिकल नहीं होगा और आपके हाथों को बिल्कुल भी डैमेज नहीं करेगा। और जैसे मार्केट का होता है तो आप लोग उसे यूज करते हो तो आपके हाथ को कोई ऐसा डिशवाश होता है जो आपके हाथों को डैमेज कर देता है, काफ़ी जो है उंगलियों के पास खुदरे पर हो जाते हैं या जो है स्किन पर कोई साइड इफेक्ट हो जाता है। तो इसमें कोई भी नहीं होगा, बर्तन भी बिल्कुल वैसे ही साफ होगा जैसे आप चाहते हो। तो बस इसमें यह है कि आपको कोई ऐसा कुछ मिलाना नहीं है केमिकल, बाकी वैसे ही रहेगा, बिल्कुल वैसे ही साफ होगा आपका बर्तन। तो आगे चलिए देखते हैं हम लोग कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पर हमने नींबू के 4-5 टुकड़े ले लिए हैं, कुछ में रस है कुछ में नहीं है, कुछ यूज हुआ है। तो यूज हुआ भी नींबू हम इसमें यूज करेंगे क्योंकि वो भी जो है उसके छिलके पर बहुत सारे विटामिन्स होते हैं जो हमारे बर्तनों को साफ करने में काफ़ी यूज में ला सकते हैं हम इसको। तो इसमें जो हम नहीं यूज कर सकते हैं अपने खाने पीने में उसको हम यहाँ पर यूज ला सकते हैं। अगर सड़ा हुआ नींबू है तो वो भी ले सकते हैं, अगर नींबू यूज किया हुआ है तो उसके छिलकों को भी ले सकते हैं। तो इस तरह पहले हम उसको उबाल के फिर छान लेंगे। अब इसको जो पानी को छाने हैं उसको अलग कर लेंगे और इसे मिक्सर ग्राइंड में ग्राइंड कर लेंगे। इसको अच्छे से पका लेंगे तो और अच्छा होगा, लेकिन मेरा बहुत ज़्यादा अच्छे से पका नहीं है तो इसमें थोड़ा सा पानी डाल के हम इसे फिर से पीस लेते हैं। तो पीसने में इस तरह हुआ, अगर आपका और अच्छे से पका रहेगा तो और अच्छे से पीस जाएगा। तो ये फिर हम छान लेते हैं बहुत ज़्यादा जो गुठलियाँ हैं ताकि ऊपर आ जाए और जो इसका अच्छा सा रस है वो नीचे आ जाए। तो आप देख सकते हो कि सब नीचे चला गया है। तो इसे इसके अंदर जो नींबू का जूस था और उसके पल्प थे बाकी सब हमने निकाल लिया और जो पानी एक्स्ट्रा निकाले थे ऊपर का उसको भी निकाल लिया। अब इसमें हम एक चम्मच बड़ा चम्मच बेकिंग सोडा डालेंगे और 2-3 चम्मच नमक डालेंगे नींबू के रस में। बस इतने में ही आपका जो है ये डिशवाश बन के तैयार हो जाएगा। आपका बर्तन बहुत अच्छे से क्लीन करेगा, बिल्कुल बहुत ही चमकदार होगा। लेकिन यहाँ पर मैं झाग लाने के लिए मैं थोड़ा सा शैम्पू का यूज कर रही हूँ क्योंकि झाग ना होने पर ऐसा लगता है, मन को संतोष नहीं होता कि बर्तन साफ हुआ है या नहीं। तो इसलिए हम झाग के लिए थोड़ा सा शैम्पू यूज कर रहे हैं। अगर आप शैम्पू का यूज नहीं करती हो फिर भी आपके बर्तन बहुत ही ज़्यादा चमकदार होंगे, लेकिन झांग के लिए थोड़ा यूज कर ले रही हूँ। और उसके बाद थोड़ा सा कलर डाल रहे हैं, ये कलर ऑप्शनल है, आप चाहे तो डालें या नहीं डालें, ये बस वैसे ही दिखने के लिए है। और इसको मिला के ये बस डिशवाश बन के तैयार हो गया है, हर कोई बना सकता है, बिल्कुल आसान है। और फिर किसी खाली कंटेनर में इसे स्टोर कर दीजिए और आप इससे सारे बर्तनों को साफ कर सकते हैं। तो एक बार मैं इसे आपको एक थाली साफ करके दिखाती हूँ। तो बहुत ज़्यादा तो झाग निकल नहीं रहा क्योंकि हमने शैम्पू का भी यूज़ बहुत ही कम किया है और उसी का असर है कि आपको दिखेगा कि बहुत ही अच्छे से क्लीन होगा सारे बर्तन, इसी से आप क्लीन कर सकते हो। तो आप देख रहे हो कि बस एक ही बार के लगाने पर कितना ज़्यादा क्लीन हुआ है। ये हमने रात में सूट किया था, नहीं तो और भी साफ दिख रहा था। हाँ तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और कुछ भी आपको पूछना है तो कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं।